हम लैंस को पढ़ रहे थे, लैंस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसमें हमने वहां तक, यहाँ तक छोड़ दिया था, ब्रिजेस एंड लैंस विद अल्टरनेटिव राउटर्स तक। आज हमने बात करनी है कि फिक्स्ड राउटिंग क्या होती है। आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाया था मैंने, उसमें आप लोगों को मैंने राउटर्स का टेबल दिखाया था। टेबल्स में सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने देखी है कि कैसे जो है आपका राउटर सारी इंफॉर्मेशन रखता है, पैकेट कौन सा फॉरवर्ड करना है, किस पोर्ट को भेजना है। तो वो ये कोई चीज़ है, फिक्स राउटिंग होती है। बहुत बड़े लार्ज नेटवर्क के लिए हम जो है, हमें अल्टरनेटिव राउट्स की ज़रूरत होती है, अल्टरनेट पाथ की ज़रूरत होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोड बैलेंसिंग आ जाए, टॉलरेंस फॉल्ट टॉलरेंस आ जाए, तो वहाँ पर हमें इसको बैलेंस करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव पाथ वही है ना, अगर रुकावट हो एक रास्ते में तो हमें दूसरा रास्ता अच्छा लगता है ना। तो इसी तरह ये चीज है कि यहाँ पे फिक्स राउटिंग का मतलब ये है, हमें अल्टरनेटिव राउट्स की जरूरत होती है। ब्रिज मस्ट डिसाइड वेदर टू फॉरवर्ड फ्रेम, ब्रिज ने, ब्रिज आपने बताया ना, ब्रिज ब्रिज क्या है, एक रास्ता, ब्रिज एक रास्ता प्रोवाइड करता है। एक ही नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क काम करते हैं, वो आपको रास्ता बता रहा होता है। लैंस ने किधर से पैकेट लिया, किधर को फॉरवर्ड करना है, इसका यही काम है ब्रिज का। फिक्स सोर्स और डेस्टिनेशन होता है, पेयर होता है इसका। डन कॉन्फ़िगरेशन देखनी होती है, लीस्ट होप राउट देखना है। बहुत छोटे पाथ को हम प्रेफर करना ज्यादा अच्छा समझते हैं, डेजिग्नेटेड पाथ जो आपके पास हो, बजाय इसके कि आप लंबा रास्ता इख्तियार करो, आप छोटे रास्ते से अपने घर आना पसंद करते हो, ठीक है। जब आप, जब ये तब चेंज होगा, ये जो इसका फिक्स राउटिंग है, जब आपकी टोपोलॉजी चेंज होगी, जब आप इसका सेटअप चेंज करेंगे, अपना फिजिकल लेआउट चेंज करेंगे। वाइडली यूज्ड बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, यूज ज्यादा होता है ये, लेकिन एक छोटे लेवल के, फ्लेक्सिबल है मतलब लिमिटेड है। स्पैनिंग ट्री, हाँ जी भाई, स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री क्या चीज होती है, ब्रिज ऑटोमेटिकली डिवेलप कर रहे थे, अपना जो राउटिंग टेबल डिवेलप करता है उसको स्पैनिंग ट्री कहते हैं। ऑटोमेटिकली अपडेट करता है अपने राउटिंग टेबल को इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस, जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे इसका टेबल अपडेट होता जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल आपका राउटर है उसमें ऐसा नहीं होता, ब्रिज और स्विच जो है ऑटोमेटिकली अपना टेबल जो है वो अपडेट कर लेते हैं। तीन मैकेनिज्म है, फ्रेम फॉरवर्डिंग, एड्रेस लर्निंग, लूप रेजोल्यूशन। अब हमने इसको बारी बारी पढ़ना है। फ्रेम फॉरवर्डिंग, फ्रेम कैसे फॉरवर्ड होगा, लाइक कौन सी पोर्ट से जा रहा है, कौन सी पोर्ट को पहुंचेगा। ब्रिज और स्विच दोनों ही मैक एड्रेस बेस काम करते हैं, ठीक है। और ये इसने अपना जो सारा का सारा रिकॉर्ड होता है वो अपनी डेटाबेस के अंदर रखना होता है। देखो डेटाबेस जैसे हमारा ब्रेन है, इसी तरह इनकी इनकी भी तो डेटाबेस होती है। जैसे आप अपने गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, वो भी तो वैल्यूज आप कहीं ना कहीं डेटाबेस से ले रहे हैं ना। तो इसमें भी ऐसे ही है, आपकी पोर्ट का एड्रेस, आपकी मैक एड्रेस, आपका आईपी एड्रेस, सारा कुछ होगा तो ही आपका पैकेट जो है वो फॉरवर्ड होगा। लेट सपोज कर ले, अगर अगर एड्रेस नहीं मिल रहा तो वो उस एड्रेस के अलावा बाकी सबको सेंड कर देगा, ठीक है, या फिर ब्लॉक कर देगा, या फिर वो सेंड ही नहीं करेगा। एड्रेस लर्निंग, दूसरा एड्रेस पता होना चाहिए, जैसे फॉरवर्डिंग डेटाबेस था, प्री लोड होते हैं उसमें डेटाबेस में सारे के सारे पैकेट। व्हेन फ्रेम अराइव्स एट पोर्ट एक्स, जब वो अपनी एक्चुअल डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाता है तो वो अपनी पुरानी पोर्ट के साथ अटैच हो जाता है, जो आपकी लैंड की पोर्ट के साथ अटैच होता है। यूज सोर्स एड्रेस अपडेट करने के लिए, जहाँ पे जाना है वो डेस्टिनेशन एड्रेस। टाइमर सेट करेगा, अगर टाइमर के अंदर अंदर आपकी एंट्री हो गई तो वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगी। टाइमर एक्सपायर हो गया, वैल्यू रिमूव हो गई, आपका पैकेट रिमूव हो गया। अगर प्रेजेंट टाइम के अंदर आपने रीसेट कर दी डायरेक्शन, वो उसको रिकॉर्डेड भी कर लेगा, उसकी डायरेक्शन को भी सेट कर लेगा। अगर नहीं एंट्री प्रेजेंट तो वो दोबारा उसको क्रिएट करेगा और दोबारा उसका टाइम सेट करेगा। ये होती है एड्रेस लर्निंग। अब हम बात करते हैं लूपिंग की। एड्रेस लर्निंग वर्क्स फॉर थ्री लेआउट के साथ काम करता है। इन जनरल ग्राफ है लूप। देखिए हमने एड्रेस लर्निंग वर्क्स दे थ्री लेआउट्स के साथ कर लिया। अब लूप की बारी है। फॉर एनी कनेक्टेड ग्राफ देयर इज अ स्पैनिंग ट्री मेंटेनिंग कनेक्टिविटी विद नो क्लोज लूप। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ब्रिज हो और उसमें लूप्स क्लोज हो। लूप्स हर वक्त कनेक्टिविटी में ही रहती है, मेंटेनिंग ऑटोमेटिकली करती रहती है, ठीक है। IEEE जो आपके इंटरनेट का स्टैंडर्ड है 802.1, उसमें स्पैनिंग ट्री जो है ना वो इन चीजों को फाइंड आउट करता है। ईच ब्रिज असाइन यूनिक आइडेंटिफायर, हर ब्रिज का एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए। एक्सचेंज इन्फो करे
इंफॉर्मेशन बिटवीन ब्रिजेस टू फाइंड स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री के मुताबिक ऑटोमेटिकली अपडेट व्हेन टोपोलॉजी चेंजेस। ये तीनों चीजें आपके इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स में मौजूद होनी चाहिए, यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए, इंफॉर्मेशन जो है वो स्पैनिंग ट्री के मुताबिक चलनी चाहिए, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जब भी आप कोई भी सेटअप जो है वो चेंज करें। ये ब्रिजेस का है, लूप ऑफ ब्रिज। ये देखो लैन एक्स है, ये लैन वाई है, ये स्टेशन है, स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, ये देखे ये अल्फा है, ये बीटा है, ये आपका लूपिंग सिस्टम चल रहा है, ये टाइमर, टाइमर 0 0 T1 T2, ये लूपिंग सिस्टम चल रहा है, मतलब ये स्टेशन ए दोनों के साथ लूप कर रहा है और ये स्टेशन बी के साथ अलहदा कर रहा है, ये स्टेशन बी के साथ अलहदा कर रहा है, ये लूप सिस्टम है आपका। एल्गोरिथम की बात करते हैं, स्पैनिंग ट्री एड्रेस लर्निंग मैकेनिज्म इज इफेक्टिव इफ द टोपोलॉजी ऑफ द इंटरनेट इज अ ट्री। ये तब इफेक्टिव होता है आपका एड्रेस लर्निंग मैकेनिज्म जब वो एक एज अ इंटरनेट आपका ट्री की फॉर्म में काम करेगा। टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है भाई, आपको रूट की ब्रिज का पता होना चाहिए, पाथ कोस्ट का पता होना चाहिए, रूट पोर्ट का पता होना चाहिए, रूट पाथ कोस्ट का पता होना चाहिए, डेजिग्नेटेड ब्रिज पोर्ट पता होनी चाहिए, एनी एक्टिव पोर्ट दैट इज नॉट अ रूट पोर्ट। ये आपको एक हिंट है, जो भी एक्टिव पोर्ट है ना, मतलब ऑन पोर्ट है, वो जरूरी नहीं है कि वो रूट ही हो। रूट तो एक ही होता है, जड़ तो एक ही होती है, बाकी तो उसके साथ अटैच होती है, बाकी उसके साथ डेजिग्नेटेड में जो है वो अटैच होती है। और डेजिग्नेटेड पोर्ट इज अ ब्लॉक्ड पोर्ट, जो आपकी डेजिग्नेटेड पोर्ट है, जो आपके पास पड़ रही है पोर्ट, वो आपकी कोई भी ब्लॉक पोर्ट हो सकती है, आप उसको कंबाइन कर सकते हैं। रूट ब्रिज मतलब आपका मेन ब्रिज, मेन लोएस्ट वैल्यू ऑफ ब्रिज आइडेंटिफायर, सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है इसकी, जीरो ही कह लें, जीरो से ही ऑलवेज स्टार्ट होती है। पाथ कोस्ट जो आपके पोर्ट के साथ एसोसिएटेड होगी। रूट पोर्ट जो आपकी रूट ब्रिज है उसकी पोर्ट की बात कर रहे हैं। रूट पाथ कोस्ट ये आपके रूट की जो रूट है ब्रिज उसकी कोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कोस्ट क्या चीज है, ये कोस्ट आपका एक पाथ है, एक डेजिग्नेटेड पाथ है। देखो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरा घर 3 वे से आता है, ठीक है। अब देखें मैं जिगजैग होके आऊंगी, कितना माइल्स में सफर पड़ गया, मैं एक बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता चूज कर रही हूँ डायरेक्ट अपने घर में आने का, तो वो होती है कोस्ट। जितनी कोशिश करें कोस्ट छोटी होगी, जितने माइल छोटे होंगे उतने ही आप जो है वो घर जल्दी पहुंचेंगे। तो ये भी यही चीज है, जितनी आपकी कोस्ट की क्वांटिटी वैल्यूज हम सेट करते हैं खुद, ये ना कोस्ट की वैल्यूज छोटी होगी वही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियंट होगा। डेजिग्नेटेड ब्रिज, मेरे रास्ते में छोटे छोटे पाथ आ रहे हैं, मैंने एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज को फेंकना है, मैंने देखना है मेरे ब्रिज, मेरे पास जो एक दो ब्रिज लगे हुए हैं, मैं जीरो ब्रिज हूँ, वन है, टू है, मैंने देखना है किसकी कोस्ट कम है। लाइक एक की कोस्ट 5 है, एक की कोस्ट 10 है, मैं किसको प्रेफर करूंगी ज्यादा, मैं 5 वाली कोस्ट वाला जो ब्रिज है उसको प्रेफर करूंगी, मैं अपना डाटा उस वाले को सेंड कर दूंगी। मुझे क्या पड़ी है कि मैं 10 वाले को सेंड करूं, तो मुझे शौक नहीं है, मैं अपनी कम्युनिकेशन को शॉर्ट बनाऊंगी। तो ब्रिज का भी यही काम है, इसने अपनी कम्युनिकेशन को शॉर्ट बनाना होता है, इसने डिफरेंट पाथ को चेक करना है, जिसकी कॉस्ट कम होती है उसको डाटा जो है वो फॉरवर्ड कर देता है। डिटरमाइन द रूट ब्रिज, रूट ब्रिज आपका जो मेन ब्रिज है उसको डिटरमाइन करना है, इसने देखना है कि जो ब्रिज है उसने पैकेट, आपका जो ईच ब्रिज है उसने, हर ब्रिज का यही काम है कि पैकेट को ब्रॉडकास्ट करना है। लाइक ये देखे आपके बी ब्रिज PDU ब्रॉडकास्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ठीक है, कैसे किस फे में जा रहा है, हर एक लैन के ऊपर इसने इसको फिक्स करना है। ओनली द ब्रिज विद द लोएस्ट वैल्यू आइडेंटिफायर विल मेंटेन इट्स ब्रिज, आपकी लोएस्ट वैल्यू किसको कहा गया, आपके रूट ब्रिज को कहा गया, उसी का ही काम है, उसी ने सारी की सारी सेटअप वगैरह जो है मेंटेन करना होता है। ओवर टाइम एज बी पी डी यू प्रोपोगेट द आइडेंटिटी ऑफ द लोएस्ट वैल्यू ब्रिज आइडेंटिफायर विल बी नोन टू ऑल ब्रिजेस, ठीक है जी। इसने सारे एक मेन ब्रिज ने, रूट ब्रिज ने, लोएस्ट ब्रिज ने सारे ब्रिजेस की वैल्यू को क्या करना है, मेंटेन करना है कि किसका पैकेट किसको सेंड करना है, किसका डाटा किसको सेंड करना है, किसने किसके साथ कम्युनिकेशन करनी है। डिटरमाइन द रूट पोर्ट ऑल अदर ब्रिजेस, इस मेन पोर्ट ने हर एक ब्रिजेस की पोर्ट के साथ कम्युनिकेशन करनी है, हर ब्रिजेस की पोर्ट का डाटा जो है वो रखना है और पैकेट जो है वो ब्रॉडकास्ट करना है। जो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी उसकी पोर्ट्स की कम्युनिकेशन को देखना है।
उसके पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करना है, बी पी डी यू यही है पर्सनल प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, ठीक है जी। और इसका जो इसने अपनी इंडिकेट करना होता है अपना एक रास्ता, अपनी एक होप का रास्ता जो आपकी रूट से थोड़ा सा पास हो, जिसे हम डेजिग्नेटेड बी पोर्ट कहते हैं। अगला वो ही है डेजिग्नेटेड पोर्ट ऑन ईच लैन। हर एक लैन में डेजिग्नेटेड पोर्ट होती है, वो ही बता रही हूँ कि उसमें डिफरेंट ब्रिजेस लगे हुए, जिसकी कॉस्ट कम होगी तो वो ब्रिज जो है वो ऑटोमेटिकली अपना रास्ता उधर से निकाल लेता है। इसमें भी यही बताया है, ऑन एनी लैन, किसी भी जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, द ब्रिज क्लेमिंग टू बी द वन दैट इज क्लोजेस्ट मिनिमम कोस्ट पाथ, जो उसके पाथ भी हो और कोस्ट भी कम हो, टू द रूट ब्रिज बिकम्स द डेजिग्नेटेड ब्रिज। इसको हम कहते हैं डेजिग्नेटेड ब्रिज, जो आपकी रूट ब्रिज के साथ में लोएस्ट क्लोजेस्ट मिनिमम कोस्ट पाथ होता है, उसको हम डेजिग्नेटेड पोर्ट जो है या फिर डेजिग्नेटेड ब्रिज का कॉन्सेप्ट देते हैं। हाँ जी, स्पैनिंग ट्री का एल्गोरिथम ये इससे बड़ा अच्छे से समझ आ जाना है। ये कोस्ट है 10, ये ब्रिज 1 है, इसकी कोस्ट है 10। लेट्स सपोज करें कोस्ट 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये कोस्ट 10 इसकी ऑलरेडी है। अब देखो अब ये लैंड 2 है, ये इसका डेजिग्नेटेड पाथ है लैंड 2। अब इसमें ब्रिज 3 भी है, ब्रिज 4 भी है। मैंने क्या किया, मैं इसको चूज कर लेती हूँ 5 वाले को। अब 10 इसकी कोस्ट ऑलरेडी कितनी थी, 10 थी ब्रिज 1 की। 10 में 5 जमा कर ले, 15 हो गया, 4 ब्रिज 1, ब्रिज 4, ब्रिज 5, फिर 20 हो गया। फिर यहाँ पे ये किस लैंड में आ गया, लैंड 1 में आ गया। अब इधर से इसकी कोस्ट कितनी है, ये थी 10 तो ऑलरेडी थी, ठीक है 5 5 10, ये तो ऑलरेडी सेट है ना इसकी रूट की, 5 5 10, मतलब कि ये 10 वाला, इसमें अब 5 इसकी कोस्ट है, 5 इसकी, मतलब यहाँ पे भी अगर जाना है तो ये होगी 15, ये होगी 15। तो ये जैसे माइल्स काउंट होते हैं, इसी तरह आपकी कोस्ट के पाथ को डेजिग्नेट किया जाता है कि कौन सा है। अगर ये होता तो फिर उसके हिसाब से यहाँ पे 20 होना था या 15 होना था। ये देखें यहाँ पे दूसरी एग्जांपल है, ब्रिज 1 है, रूट पाथ उसकी कॉस्ट कितनी है, 0 है, और ये कॉस्ट आपकी डेजिग्नेशन की कितनी है, 1 10 है, और ये कितनी है, 10 है। ये लैंड 1 है, ये लैंड 2 है, ये बता रहे हैं कि अब अगर लैंड 1 है, यहाँ पे आर जो है वो रूट पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये इसके पास आ रहा है रूट पोर्ट कॉस्ट 10 के साथ, ब्रिज 2 रूट पाथ कॉस्ट 10, इसकी कितनी थी रूट की 10 थी, और जिसकी जिस इस ब्रिज की कितनी है, 2 है, इसकी कितनी है, इस ब्रिज की 10 है, तो टोटल 20 हो गई। लेकिन अब जो इसकी लैंड की है वो आगे बता रहा है कि ये 5 है, ये 5 है, अगर हम 20 में 4 5 ऐड करें तो ये हो गई 25, ठीक है। तो ये कोस इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब प्रैक्टिकल में भी मैं ये बताऊंगी क्या होती है। पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ चूज करें, इसी तरह कोस्ट भी आपके शॉर्टेस्ट पाथ को ही रिप्रेजेंट करती है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। हाँ जी, इंटरकनेक्टिंग लैंस हब्स फिजिकल लेयर के ऊपर, सबसे पहली लेयर के ऊपर एक्टिव सेंट्रल एलिमेंट ऑफ स्टार लेआउट, आपको पता है ये स्टार टोपोलॉजी में यूज होती है, और अनशील्डेड ट्विस्ट रिपेयर लैंड के साथ ही होती है, और मल्टीपल रिपीटर्स के कंसेप्ट को ही हम हब कहते हैं। हर हब में जो डायरेक्ट कनेक्टेड होती है वो डिफरेंट रिपीटर्स ही होते हैं, एज अ रिपीटर्स के तौर पे काम करते हैं। लिमिटेड टू अबाउट 100 मीटर, ये ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें तो वो 100 मीटर तक ही रहती है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करती। फाइबर ऑप्टिक्स केबल है जो आपके 500 मीटर तक जा सकती है। फिजिकल स्टार, लॉजिकली बस, फिजिकली अगर कनेक्ट है तो स्टार है, लॉजिकली कनेक्ट करें तो बस है। ट्रांसमिशन फ्रॉम अ स्टेशन सीन बाय ऑल अदर्स, इफ टू स्टेशन ट्रांसमिट एट द सेम टाइम हैव अ कोलिजन, कोलिजन के बारे में मैंने बता दिया आपको, कोलिजन आपने कैरियर सेंस पढ़ लिए हैं, CSMA, CSMCD और CA दोनों, ठीक है। अगर दोनों ही एक ही स्टेशन के ऊपर एट अ टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हब डिवाइस में ये कोलिजन अकर हो जाती है। ये टू लेवल हब टोपोलॉजी का बताया है, ये टू लेवल है, टू केबल्स हैं, दो केबल्स, उसको हम टू हब टोपोलॉजी कहते हैं। एक मतलब कि हब डिवाइस लगी हुई है, स्टार हमने बनाया हुआ है, ये ट्विस्टेड पेयर लगी है, और एक ऑप्टिकल फाइबर, अगर एक खराब हो जाती है वो दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर लेगी।
बसेस हब एंड स्विचेस, अब ये तीनों के बारे में बताया. बस आपको पता है कि 10 meter bits per second जो है वो काम करेगी. उसके बाद ओनली वन स्टेशन ट्रांसमिटिंग एट अ टाइम, एक ही स्टेशन, एक ही सेंडर होता है, सबको डाटा उसने सेंड करना है. हब में स्टार होता है, हब स्टार वायरिंग का सिस्टम होता है, स्टार टोपोलॉजी में यूज होता है. ये अगर मेन डिवाइस ही आपकी आपका सारा काम करती है, इसी ने डाटा लेना है, इसने ही आउट गोइंग सबको कर देना है. ओनली वन स्टेशन कैन ट्रांसमिट एट अ टाइम, एक ही स्टेशन है आपका हब, उसने सबको डाटा जो है वो सेंड कर देना है. टोटल कैपेसिटी ऑफ लैन इज 10 megabits per second, बस इससे ज्यादा नहीं. ठीक है, कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस यूजिंग अ लेयर 2 स्विच. अब इस परफॉर्मेंस को किसके साथ मतलब एनहांस किया जा सकता है, कौन इस परफॉर्मेंस को रिकवर करता है, वो आपकी लेयर 2 है स्विच, स्विच भी और ब्रिज भी. ठीक है जी, कैन स्विच मल्टीपल फ्रेम्स बिटवीन सेपरेट पोर्ट मल्टीप्लाइंग कैपेसिटी ऑफ लैन. इसमें हम डिफरेंट लैंस को कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल फ्रेम्स जो है वो सेपरेट पोर्ट में सेंड हो सकते हैं. लेकिन स्विचेस का भी वही काम है, इसे पैकेट सबको सेंड कर देने होते हैं. शेयर्ड मीडियम बसेस एंड हब, ये भाई आपका बताया हुआ है, ये है, इसने सबको सेंड कर दिया. ये आपकी टोटल कैपेसिटी के बारे में बता रहा है कि वन वे है ये आपका. अगर हम स्टार की बात करते हैं, ये बस है, ये हब है, ये स्टार है. एन क्रॉस 10 मतलब ये अप टू 10 है, ये मतलब कि एक्सटेंड हो सकता है स्विच ना, एक्सटेंड हो सकता है. इसने सबको सेंड करना है, इसने ए को सेंड करना है, फिर दूसरे का रिप्लाई वेट करना है, हब का ये काम है. लेकिन आपका जो स्विच है उसने सबको पैकेट जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देना है. लेयर टू स्विच के क्या बेनिफिट्स हैं? नो चेंज टू अटैच डिवाइसेस टू कन्वर्ट बस लैन और हब लैन टू स्विच्ड लैन. मतलब इसमें हम अपने जो डिवाइसेस हैं हम बस वगैरह में चेंज नहीं कर सकते, हब में नहीं कर सकते, लेकिन लैन में हम कर सकते हैं. ईथरनेट लैन यूज ईथरनेट मैक प्रोटोकॉल. ईथरनेट का कॉन्सेप्ट हो, स्विच का हो, आपकी जो केबल्स ईथरनेट और ब्रिजेस हैं मैक प्रोटोकॉल के साथ ही काम करते हैं. हैव डेडिकेटेड कैपेसिटी इक्वल टू ओरिजिनल लैन. अज्यूमिंग स्विच हैज सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप अप टू विद ऑल डिवाइसेस. सफिशिएंट बहुत ज्यादा इसमें होता है, लेकिन ये भी एक लिमिट्स है. ठीक है, स्केल इजीली. स्केल्स इजीली का क्या मतलब है? स्केल का कॉन्सेप्ट जहां पे भी आए समझ लें कि इसमें कुछ एक्सटेंड करने की कैपेसिटी है, मतलब कि कुछ इंक्रीज किया जा सकता है, एडिशनल डिवाइसेस अटैच की जा सकती हैं, एक्स्ट्रा पोर्ट्स वगैरह ऐड करके. टाइप्स ऑफ लेयर टू स्विच, टाइप्स हैं दो, एक स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट कर लो या फिर कट थ्रू कर लो. स्टोर और फॉरवर्ड जो है इसके पास आपके जो फ्रेम है एक्सेप्ट करेगा इनपुट लाइन से, बफर्स करेगा ब्रीफली routes to destination port. मतलब के आपके डेस्टिनेशन पोर्ट को सेंड करेगा. स्टोर एंड फॉरवर्ड, दैट्स इट. स्टे सी डिले बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. इसका ये भी काम है, इसने देखना कि अब कहाँ पे डिले हुआ है. बेटर इंटेग्रिटी, मतलब इसमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा है. कट थ्रू स्विच, ये कोई चीजें नहीं रखता, स्टोर और फॉरवर्ड इसका काम नहीं है. इसने क्या करना है, डेस्टिनेशन एड्रेस देखना है एक स्टार्टिंग लेवल के ऊपर, बिगनिंग लेवल के ऊपर आपके फ्रेम को देखना है. स्विच बिगिंस रिपीटिंग फ्रेम ऑन टू आउटपुट लाइन. इसमें क्या था, इनपुट लाइन को देखना है, इसने आउटपुट लाइन को भी देखना है. एज सून एज डेस्टिनेशन एड्रेस रिकॉग्नाइज, डेस्टिनेशन एड्रेस की ही इंफॉर्मेशन रखना है. इसने आउटपुट लाइन रखनी है, इसने आपकी इनपुट लाइन की इंफॉर्मेशन रखनी है. मतलब स्टोर एंड फॉरवर्ड वो चीज है, कट थ्रू आपने जिधर जाना है डेस्टिनेशन एड्रेस. हाईएस्ट पॉसिबल थ्रूपुट, रिस्क ऑफ प्रोपेगेशन बैड फ्रेम्स. ठीक है, आपके जो फ्रेम्स हैं उसकी प्रोपेगेशन के टाइम को भी सेट करता है कि कितना टाइम लिया, किस टाइम में सेंड हुआ, और उसकी स्पीड वगैरह को भी देखता है ये प्रोपेगेशन की. लेयर टू स्विच वर्सेस ब्रिज, ब्रिज देखा था, स्विच भी पढ़ लिया. अब दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं. दोनों ही लेयर टू के ऊपर होते हैं, फुल डुप्लेक्स हब के तौर पे काम करता है. इनकॉर्पोरेट्स लॉजिक टू फंक्शन एज अ मल्टी पोर्ट ब्रिज. हाँ जी, अब एक और चीज रह गई आपकी ब्रिज के हवाले से. ब्रिज की थ्री टाइप्स होती हैं, ब्रिज थ्री तरह की डिवाइसेस हैं. एक ब्रिज होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है सिंपल, एक होता है मल्टी पोर्ट. जो आपका ट्रांसपेरेंट ब्रिज होता है, इसमें आपका जो टेबल है उसका सारा का सारा रिकॉर्ड रखता है, डेस्टिनेशन का, सोर्स का. सिंपल ब्रिज जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड करेगा ये, और कुछ नहीं करेगा, बस रूट प्रोवाइड करेगा. मल्टीपोर्ट में भाई
बहुत सारी पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है, मतलब कि एक्स्ट्रा पोर्ट्स अटैच की जा सकती हैं, लॉजिक फंक्शंस ऐड किए जा सकते हैं, और इसमें तो आपके टेबल का रिकॉर्ड भी जो है वो होता है। डिफरेंस बिटवीन स्विचेस एंड ब्रिजेस, ब्रिज फ्रेम हैंडलिंग डन इन सॉफ्टवेयर। भाई आपका ब्रिज जो है वो सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर काम करता है, क्योंकि अगर ब्रिज एक बार मेंटेन हो जाए तो इसका जो सेटअप है वो एज अ सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। जैसे आपके टावर्स के ऊपर लगा हुआ है, आप वहां पे हार्डवेयर जाके तो नहीं ना काम करे, एक बार लगा दिया हुआ तो बस लगा दिए। स्विच आपका हार्डवेयर लेवल के ऊपर काम करता है, आपको हर टाइम मतलब इसकी डिवाइस को अटैच करना पड़ेगा फ्रेम सेंड करने के लिए, मेंटेन करना पड़ेगा। ब्रिज एनालाइजिस एंड फॉरवर्ड्स वन फ्रेम एट अ टाइम, ब्रिज का क्या काम है, आपका जो फ्रेम्स हैं फॉरवर्ड करेगा वो एट अ टाइम सेंड करेगा एक फ्रेम। स्विच मल्टीपल फ्रेम्स एट अ टाइम सेंड कर सकता है, मैंने आपको पीछे दिखाया भी था कि जो स्विच है वो मल्टीपल डाटा एट अ टाइम सेंड कर सकता है, सबको पैकेट ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रिज भी करता है लेकिन उसकी एक लिमिट्स है। ब्रिज uses store and forward operation, जो भी मैंने आपको बताया वैल्यू रखी इन लाइन आपकी इनपुट इन लाइन की वो वाली इंफॉर्मेशन बस। स्विच आपकी कट थ्रू ऑपरेशन को फॉलो करता है, इसलिए आपके डेस्टिनेशन एड्रेस तक लेके जाना होता है। हैंस ब्रिज हैज सफर्ड कमर्शियली, तो स्विच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेयर टू स्विच प्रॉब्लम्स, ब्रॉडकास्ट ओवरलोड, जब आप स्विच सारे का सारा सबको पैकेट सेंड करता है ना तो इसमें ओवरलोड की प्रॉब्लम होती है। यूजर्स शेयर कॉमन मैक ब्रॉडकास्ट एड्रेस, यूजर आपका जो है वो सबको मैक ब्रॉडकास्ट एड्रेस शेयर कर देता है। ब्रॉडकास्ट फ्रेम आर डिलीवर टू ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड बाय लेयर टू स्विच एंड और ब्रिजेस, आप ब्रिजेस के साथ अटैच हैं, लेयर टू के साथ अटैच हैं, स्विच जिधर भी लगा हुआ है उसने सबको पैकेट सेंड कर देना, उसे कोई परवाह नहीं कि मेरा पैकेट किसके पास जा रहा है या किसके पास नहीं जा रहा। ब्रॉडकास्ट फ्रेम कैन क्रिएट बिग ओवरहेड, तो ये बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करता है। ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म, तूफान हो जाता है ना, एकदम से तूफान आ गया, तो इसी तरह डिवाइसेज जो हैं वो मल्टीफंक्शनिंग परफॉर्म करना बंद कर देती हैं। लैक ऑफ मल्टीपल लिंक्स, इसमें ये भी प्रॉब्लम है, मल्टीपल लिंक्स नहीं जनरेट होते, लिमिटेड है इसकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी। राउटर्स की क्या प्रॉब्लम है, राउटर्स की मेन प्रॉब्लम इसके सब नेटवर्क्स हैं जो आप एक राउटर के साथ अटैच करते हैं, जितने राउटर के ऊपर बर्डन होता जाएगा ना इसके सब नेटवर्क्स का, पीसीस का, डिवाइसेस का, एक ही सिंगल नेटवर्क्स होगा तो बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। स्पोर्ट्स मल्टीपल पाथ बिटवीन सबनेट, मतलब डिफरेंट पाथ जो है वो सबनेट्स के दरमियान में स्पोर्ट करेगा इसको, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। routers do all IP level processing in software. मैंने आपको पहले ही बताया है, राउटर को समझ नहीं आती जब तक उसको IP ना दिया जाए, तो हर लेवल पे जाके उसके IP को सेट करना पड़ता है, तो ये भी बड़ी हाई परफॉर्मेंस और अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन एक बार अगर सेट हो जाए तो फिर ये बड़ा अच्छे से काम करता है। सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर जो होता है ओनली एबल टू हैंडल वेन अंडर अ मिलियन पैकेट्स पर सेकेंड, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर लगा दिया मैंने, टेलनेट लगा दिया, SSH लगा दिया, तो एक टेबल है वो सिर्फ और सिर्फ मिलियंस पैकेट्स पर सेकंड सेंड कर रहा है, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया है उसमें मिलियंस पर सेकंड के हिसाब से अगर आप कम्युनिकेशन करें तो वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लेयर थ्री स्विचेस, अब आप कह रहे होंगे कि ये तो भाई लेयर टू पे होती है स्विचेस, मैं आपको बताती हूँ आगे जाके लेयर थ्री स्विचेस क्या होती है। जो आपकी राउटर के साथ स्विचेस डायरेक्ट अटैच होते हैं ना उसको हम लेयर थ्री स्विचेस कहते हैं। लेयर थ्री स्विचेस इंप्लीमेंट पैकेट फॉरवर्डिंग लॉजिक ऑफ राउटर इन हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर बेस आपके स्विच हार्डवेयर बेस ही है। टू कैटेगरीज, पैकेट बाय पैकेट या फिर फ्लो बेस्ड। हाँ जी, आप पैकेट बाय पैकेट और फ्लो बेस्ड स्विच देखते हैं, पैकेट बाय पैकेट और फ्लो बेस्ड। पैकेट बाय पैकेट ऑपरेट्स लाइक अ ट्रेडिशनल राउटर, पुराने जो भी आपके पैकेट बाय पैकेट सेंड हुआ, पैकेट आया पैकेट गया, दैट्स इट, जैसे पिंग होता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इंक्रीज इन परफॉर्मेंस कंपेयर टू सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर, ये ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस को करता है। आपके सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर होगा तो उसके साथ अच्छा काम करेगा। अगर हम फ्लो बेस्ड स्विच की बात करते हैं, इनहांस परफॉर्मेंस बाय आइडेंटिफाइंग फ्लो ऑफ आईपी पैकेट्स विद सेम सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सेम सोर्स और डेस्टिनेशन, बाय ऑब्जर्विंग ऑनगोइंग ट्रैफिक, जो भी आपकी ट्रैफिक आ रही है, जैसे आप इंटरनेट के ऊपर सर्चेस कर रहे हैं, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आ रही है ट्रैफिक हो रही होती है, बहुत ज्यादा लोड हो रहा था,
तो वहां पे इसका बेस्ट लेवल है कि आप पैकेट के हेडर में आईपी वर्जन 6 यूज करें, तो ये फ्लो बेस्ड जो है स्विच के तौर पे काम करेगा। पैकेट बाय पैकेट आईपी वर्जन 4 हो गया, फ्लो बेस्ड स्विच जो आईपी वर्जन 6 हो गया। अ प्री डिफाइंड राउट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइड फ्लो। आपका जो प्री डिफाइंड राउटर होता है ना, उसने आपकी कम्युनिकेशन के फ्लो को सेट करना होता है, जैसे एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल है। अब ये देखिए बड़े लेवल का है, वैन मैं इस चीज की बात कर रही थी, जो राउटर के साथ स्विच डायरेक्ट अटैच होता है, इसको हम लेयर 3 स्विच कहते हैं। ये लेयर 2 स्विच है, ये अब ये डायरेक्ट इसके साथ है। ये लेयर 3 स्विच मतलब यहाँ पे इसके कहीं ना कहीं राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये आपके डिफरेंट लैपटॉप, वायरलेस कनेक्शन, सर्वर है, तो ये आपकी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स इट। हाँ जी, कुछ किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें।